Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to create payment list. Payment list is by default already present in your QuickBooks. Jo badi badi payment ke tareeke kar hain wo pehle hi hamare paas listed hote hain. Misal ke taur pe aapne cash dena hai, aapne check dena hai, aapne credit card se payment karni hai. Lekin aajkal aur bhi tareeke kar aa gaye hain jisse hum payments karte hain. Misal ke taur pe hum telegraphic transfer bhi karte hain, TT payment ho gayi. इसके अलावा हम ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, बैंक टू बैंक फंड्स ट्रांसफ़र हो जाती है. और अगर ये चीज़ें आपके पास लिस्टेड नहीं हैं तो आप अपने पास लिस्ट कर सकते हैं. होता ये है कि ये तरीक़ेकार वो हैं जिससे आपका कस्टमर या क्लाइंट आपको पेमेंट कर रहा है और आपने रिकॉर्ड करनी है कि पेमेंट हमारे पास वसूल कैसे हुई. क्योंकि आपको पता होना चाहिए चेक जब आपको आएगा तो उसकी एक ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर ये चेक जो है क्लियर होता है और फिर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं. इसी तरह जब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है तो याद रखें कि टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र में पैसे तो आपके पास फ़ौरन आ जाते हैं लेकिन उसमें कुछ हमारे पास चार्जेस उसके ऊपर लग जाते हैं. इसी तरह ऑनलाइन ट्रांसफ़र में फौरी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है. और अगर कोई और क्रेडिट कार्ड का तरीका अपनाया जाए तो याद रहे क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्टेंस में बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका ये कार्ड यूज़ किया गया है वो कुछ परसेंटेज, छोटी सी परसेंटेज आपकी पेमेंट में से डिडक्ट करता है एज चार्जेस. जो ये फाइनेंशियल चार्जेस आपके पास से कट जाते हैं. तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो पैसे ये फंड्स आ रहे हैं वो किस जरिए से, किस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं क्या उसमें कोई कटौती के चांसेस हैं, अगर हैं तो कितनी है. तो ये सारी चीज़ें नोट करने के लिए, ये रिकॉर्ड करने के लिए, हर चीज़ रिकॉर्ड होती तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये फंड्स हमारे जो कस्टमर के क्लाइंट है वो रिमिट उसने वापस के हमें पैसे भेजे किस तरीके से. क्विकबुक्स ने ऑप्शंस आपको सारी दी हुई और अगर वो आपको पसंद की ऑप्शन आपको नहीं मिल रही तो आप उसको फौरी तौर पर अपने पास इसको जाके रजिस्टर कर सकते हैं. आइए चल के देखते हैं हम क्विकबुक्स में कि किस तरीके से हम पेमेंट के जो तरीक़ेकार हैं उसको अपने पास रिकॉर्ड करें. लेट्स गो ओवर टू क्विकबुक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पेमेंट मेथड जिस तरीके से हम ये कलेक्शन कर रहे हैं अपनी फंड्स की वो हमने रिकॉर्ड करना है. और जब भी हमारे पास कोई फंड्स आएंगे, कोई पैसे हमें देगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? हम करते हैं रिसीव पेमेंट में रिकॉर्ड. होम पेज पर आपने रिसीव पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ आपके पास उस रिसीट के तरीक़ेकार पहले से मौजूद हैं जिसमें कैश है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, ई चेक है और मोर है. मोर के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास मास्टर कार्ड या बार्टर लिखा हुआ है. लेकिन हम जो तरीका यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र का. सबसे आसान तरीका तो यह है कि जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ आए तो आप फौरन ऐड न्यू पेमेंट मेथड लिख कर उसको वहाँ रजिस्टर कर लें. लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल से पहले क्विकबुक्स की सारी चीज़ें रजिस्टर करनी है, आपको किसी ने लिस्ट दे दी है कि ये हमारे फंड्स रिसीट के मेथड हैं, आप इनको रजिस्टर कर ले, तो वो कैसे किए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. आपने सबसे पहले जाना है अपनी लिस्ट में और उसके बाद पेमेंट मेथड लिस्ट, इसको हमने चूज़ करना है. यहाँ हमारे पास पहले ही से चंद मेथड मौजूद हैं लेकिन हमने जो चीज़ चूज़ करनी है वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र. इसका मतलब ये है कि ये फंड्स हमारे पास बैंक में ऑटोमेटिकली कहीं बाहर से आ जाएंगे और ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र का एक तरीका है बाहर के ममालिक से हमारे पास. आजकल तो वैसे आपको पता है कि बहुत सारे तरीके और आ गए. पेपॉल का तरीका आ गया. इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ एक्सचेंज हैं वो लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगे हैं. और सबसे आसान जो अगर आपको पता हो मोबाइल में जैसे हम करते हैं ईजी पैसा, ये तमाम सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं. और ये आप जब भी चाहें अपने पास ये तरीक़ेकार नोट भी कर सकते हैं. यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन दी गई है कि पेमेंट मेथड बनाएं, न्यू करें या कंट्रोल एन करें. और हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये मेथड है क्या. इसे उर्फ़ आम में इसको TT कहा जाता है तो हम इसे TT लिख देते हैं. ये पेमेंट टाइप कैश हमारे पास नहीं आता बल्कि हमारे पास ये जो चीज़ आती है वो बेसिकली एक ई चेक की सूरत में आ जाती है जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली हमारे अकाउंट में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है
हमने पेमेंट टाइप भी सेलेक्ट कर ली, हमने पेमेंट मेथड भी सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने ओके कर दिया। अगर हम चाहें तो हम किसी को भी इनएक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ये एक नया मेथड चूज़ कर लिया है। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे रिसीव पेमेंट में जो हमने नया ऑप्शन दिया है वो आया है कि नहीं। हमने टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या टीटी का एक नया मेथड रोशना से लाया था और ये आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर मोर में टीटी हमारे पास मौजूद है। जैसे ही हम इसे चूज़ करेंगे आप देखिए ये फ्लैश कहाँ होगा, टीटी हमने शो किया है तो ये बाकी सारे ऑफ हो गए, कोई भी ऑन आपको नज़र नहीं आ रहा और यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ टीटी और ये लाइट ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेथड जिससे हम ये रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ टीटी। ये वो तरीक़ेकार है जिससे हम अपने पेमेंट मेथड्स को रजिस्टर करेंगे और यूज़ करेंगे। आज के दौर में क्रिप्टोकरेंसी और बहुत से मेथड्स आते रहेंगे, जैसे जैसे आते रहेंगे आपने कुछ नहीं करना, अपने सिस्टम को सिर्फ अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना, उसके अंदर प्रोविज़न मौजूद है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर वो चीज़ रजिस्टर करनी है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे दैट न्यू आइटम इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम पेमेंट मेथड अपने क्विक बुक्स में रजिस्टर करेंगे। पेमेंट मेथड जिस तरीके से हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, इनके तरीक़ेकार भी बढ़ते जा रहे हैं और हमें ये देखना है कि हमारे पास फंड्स किस तरह से आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था, जिस तरह से फंड्स आते हैं उसके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई फाइनेंशियल चार्ज भी लग जाता है और जैसे जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर्स ये क्लाइंट कौन सा प्रिफर्ड पेमेंट मेथड है उनका, ये तमाम चीज़ें एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होती है मैनेजमेंट की, उसे ताकि पता हो कि क्या चीज़ में इन्वेस्ट करें, किस तरीके से बैंक के साथ डील करें, किस तरह से क्लाइंट के साथ डील करें, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन कि हमें पेमेंट्स आती कैसे। जैसे जैसे हमें ये पता चलता रहेगा कि पेमेंट्स हमें आती कैसे, हमें ये पता चल जाएगा कि हमने अपने कस्टमर्स को किस तरीके से पे करना है, कौन सी प्रेफर्ड तरीका है जो इस वक्त राइजुल आम है, जो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। तो हमें ये प्रोविज़न आपने देख ली, हाउ इट इज़ यूज्ड, हाउ टू रजिस्टर अ न्यू टाइप और जैसे जैसे आती जाएगी आप उसे रिकॉर्ड करते जाएं, क्योंकि वंस अगेन दिस इज़ एन एनालिटिकल टूल, ये एनालिसिस के लिए मैनेजमेंट के इस्तेमाल होगा और आपको मैनेजमेंट बताएगी कि आपने क्या चीज़ इधर रजिस्टर करनी है। आपका काम है उसे रजिस्टर करना, सही रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट निकाल के देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।